नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी डुमरा हवाई अड्डा मैदान से मैं आपसे विकास कर रहा हूं और यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ चुके हैं और वो अपने प्रत्याशी सुनील कुमार तिर्की के लिए प्रचार करने आए हैं। मैं आपसे सीधा लाइव टेलीकास्ट करता हूँ, आपको लेकर पहुंचता हूँ मंच तक, लेकर दिखाता हूँ। अभी चूंकि गर्मी बहुत है, धूप की तपिश बिल्कुल सर पे है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो उमस बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीधे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो माँ जानकी के मंदिर से माला आया है, हम चाहेंगे कि उनका माँ जानकी की माला पहना करके उनका स्वागत करें। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित शाह जी को माला पहनाया जा रहा है। कहा गया है कि ये माला जानकी मंदिर से लाया गया है, जानकी मंदिर जो माँ सीते की जन्मस्थली कही जाती है। अब मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, जैसे भूगोल को भी मजबूत करके इतिहास बनाने वाले विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्र, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और तमाम पार्टियों ने सीतामढ़ी वालों की आवाज अच्छी होती है क्या? देखिए मोदी की बिल्डिंग है, उनको मालूम करना चाहिए सुनील कुमार पिंटू को जिताने के लिए एनडीए वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मैं सीतामढ़ी पहली बार आया हूं, मां सीता को भूमि में से जन्म देने वाली एक पवित्र धरती माता को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। ये मिथिला क्षेत्र की प्रमुख नगरी है और यहां तो मां सीता ने जन्म लिया, यही धरती की बेटी मां सीता ने अपना जीवन इस तरह से प्रारंभ किया, इस तरह से जिया, संस्कार की सुगंध इस तरह से फैलाई कि प्रभु श्री राम का नाम भी लेना होता है तो आगर मां सीता का नाम लेना पड़ता है। दुनिया भर में सीता राम कहते हैं, कभी राम सीता को ही नहीं कहता, क्योंकि सीता के बगैर राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये सीतामढ़ी की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां ही प्रसिद्ध बबही मठ है, बबही मठ के तपस्वी नारायण दास को मैं प्रणाम करता हूं। अमर शहीद रामफल मंडल जी का भी यही भूमि है और पहली बार जब संसद का चुनाव हुआ यहां से आचार्य कुखारी को भेजने वाली यही सीतामढ़ी थी। मित्रों, यही सीतामढ़ी। मित्रों, अभी अभी पठानकोट पर हमला हुआ, वो हमले में सीतामढ़ी जिले के ऊपरी गांव के बलहा के श्री अजीत ठाकुर भी शहीद हुए थे। मैं भाई अजीत ठाकुर को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पूरे परिवार को, ये वीर सपूत को देश को देने के लिए प्रणाम कर मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो आज मैं 263वीं लोकसभा में आया हूं, साढ़े चार महीने में देश की ये 263वीं लोकसभा है जहां पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में मैं घूमता 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 आज सीतामढ़ी आया हूं। तो चाहे मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां पर भी गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी 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 मोदी। देश भर में ये मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं, देश के हर कोने में
ये मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं। ये मोदी मोदी के नारे जो देश की जनता हर कोने में लगा रही है, ये अकारण नहीं लगा रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में ऐसा शासन किया जिसकी देश 70 साल से राज देख रहा, देश राज देख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो अपने लिए न जीता हो, देश के करोड़ों गरीबों के लिए जीता हो, ऐसा व्यक्ति आए और प्रधानमंत्री दिया। मित्रों, सुशील जी ने कहा अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री है, मैं 20 साल से लगातार उनको देख रहा हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं। और मित्रों, दूसरी ओर गठबंधन के नेता है राहुल बाबा 2-3 महीने में छुट्टी लेकर चले जाते हैं, और चले ऐसे जाते हैं मां भी ढूंढते हुए रह जाती है, बिटवा कहां चला गया मिलता नहीं है। एक दिन में 18 घंटा परिश्रम करने वाला नेता देश ने बहुत समय के बाद देखा है। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कंठन इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े गरीब उसके लिए समर्पित करने वाला ये नेता है, ये कठोर फैसले लेने वाला नेता है और ये संवेदनशील भी नेता है। मित्रों, ऐसा संवेदनशील नेता मैंने नहीं देखा। इनके मन में गरीबों के प्रति संवेदना और तभी वो जाकर एक के बाद एक ये योजनाएं निकलती। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 साल पर तक देश में अलग अलग प्रधानमंत्री आए मगर कभी भी संपूर्ण गरीबी के उन्मूलन की दिशा में काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक 5 साल के अंदर ही देश की 7 करोड़ गरीब माताओं की झोपड़ी में गैस का सिलेंडर भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं को बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी ने दिया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और 2.35 करोड़ लोगों को घर में 70 साल के बाद बिजली और उजाला पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है, देश के 50 करोड़ लोगों को गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर बड़े रोग के अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने की व्यवस्था इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक जमाना था जब लालू राबड़ी का शासन था, एक जमाना था जब राहुल बाबा के परिवार का शासन चलता था, गरीब को कैंसर हो जाए 2 दिन बेटा टेस्ट कराता था, बाद में बाप ही कह देता था बेटा घर को ले जा, मैं तो मरूंगा ही, मेरे पीछे जो रूढ़ हो जाएगा तेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा, और आंख में आंसू के साथ बेटे अपने मरते बाप को घर पे ले आता था, मां अपने बच्चे का इलाज नहीं करा। मित्रों, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत आज सुबह तक 24 लाख लोगों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 24 लाख गरीबों का ऑपरेशन समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, सीतामढ़ी के लिए, बिहार के लिए ढेर सारे विकास के काम प्रधानमंत्री जी ने करे, मैं इसका भी थोड़ा संक्षिप्त में जिक्र बाद में करूंगा, मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है
देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लालू राबड़ी के समर्थन वाली सरकार थी, और 10 साल तक पाकिस्तान से आतंकवादी घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, उनके अपमान होते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पुलवामा में अभी अभी पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर 40 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, 40 लोगों। पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, रोष, पूरे देश के अंदर क्या हो सकता। पाकिस्तान ने भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान ने भी सीमा पर सेना लगा दी, टैंके लगा दी, तोपे लगा दी, सबको लगा कि अब क्या हो सकता। तो नरेंद्र मोदी भी 56 इंच के सीने वाला आदमी है, 56 इंच के सीने। पाकिस्तान ने सीमा पर टैंके तोपे लगा दी, सेना बिछा दी, नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना को हुक्म दिया, हमारे वायुसेना के रणबांकुर पाकिस्तान के घर में घुसकर विमान ले जाकर बालाकोट पर बमबारी करकर आतंकवादियों के फूटे फूटे उड़ाकर वापिस आ गए। जिस क्षण नरेंद्र मोदी जी के हुक्म पर एयर स्ट्राइक हुआ और सफल एयर स्ट्राइक के बाद जब हमारे वायुसेना के जवान वापिस आए, बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया में आया। पहले दुनिया में दो ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला ले सकते, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। वो दो देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, देश की सुरक्षा ये गठबंधन वालों के लिए मजाक। सर्जिकल स्ट्राइक हुई दो ही जगह पे, मातम का पूरा देश खुशियां मना। कहां कहां मातम था भाई? एक तो पाकिस्तान में था, वहां तो होना ही चाहिए ना, बताओ भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और दूसरा मातम था राहुल बाबा लालू राबड़ी की ऑफिस में। मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री है। हमारा निर्णय स्पष्ट है, पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहां से खोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर। देश की सुरक्षा के साथ के कारण हम खिलवाड़ नहीं करते। मित्रों, अभी अभी कश्मीर में चुनाव हो रहा था, उमर अब्दुल्ला जो कांग्रेस के साथी है, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे फेसबुक न्यूज पेज को लाइक करें, और इसी नाम से यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है, हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं करते। कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये कश्मीर जो है मां भारती का हुकुम बनी है, कश्मीर को हम देश से अलग नहीं। तो राजद्रोह का कानून हटा लेंगे, अभी अभी जेएनयू में तीन साल पहले मारे गए भारत के टुकड़े हो गए 1000। मुझे बताओ मां भारती के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए नहीं डालना नहीं आना चाहिए? लालू बाबा इन कंपनी लालू प्रसाद यादव है, भूल नहीं होती थी याद है या नहीं है? जातिवाद होता था याद है? अपराध होता था याद है या नहीं है?
अगर चार रुपए से याद है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का नीति याद है या नहीं है, ये जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम सुशासन बाबू नीतीश कुमार और भाजपा के नेता सुशील मोदी की जोड़ी ने किया है। आज बिहार विकास के किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए 133 योजनाएं। इतना समय कम है, अगर मैं पढ़ूंगा जरूर आपको बताऊंगा। मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, मोदी समाज के बिहार के भगवान लाल इतिहास में इनका नाम, बिहार का नाम दर्ज कराने का काम। अग्रसमाज सालों से मांग करता था अगर समाज के गरीब बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कोई हिम्मत नहीं करता। नरेंद्र मोदी सरकार अग्रा समाज के गरीब बच्चों को, पिछड़ा समाज और दलितों का रिजर्वेशन काटे मगर 10% रिजर्वेशन। पूरा देश मां सीता को आगे रखता है, हम सीता मरी को भी आगे रखेंगे, आगे रखेंगे। सीतामढ़ी को रामायण सर्किट के साथ पूरी गंग के दृष्टि से जोड़ने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसके पहले चरण में अयोध्या से जनकपुर तक अंतर्राष्ट्रीय बस सीतामढ़ी के रास्ते हमें 77 से